करनाल के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री किशन कुमार बेदी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर 13 शिकायतें समस्याओं के निवारण के लिए प्रस्तुत की गई थी, जिसमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, परंतु बाकी समस्याओं को आगामी मीटिंग के लिए पेंडिंग रख दिया गया। कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति बनाई गई है, जिसकी मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें आने वाली शिकायतों का निवारण मौके पर ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि करनाल में उन्होंने पहली बार इस मीटिंग की अध्यक्षता की है और मीटिंग में आए हुए सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जनता के काम प्राथमिकता से करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। राज्य मंत्री किशन कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा में आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों को प्रचार प्रसार करेगी और चुनावी बिगुल भी इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बजाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 75+ का नारा दिया गया है उसको आसानी से पूरा कर सके। जिला कष्ट एवं जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी, जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया, जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद के अलावा जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति के सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा इस मीटिंग में जिले भर के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में आए 13 मामलों के अलावा भी राज्य मंत्री द्वारा पंचायत घर में शिकायत लेकर आए हुए अन्य लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के निर्देश अधिकारियों को। आज पहुंचे जिला कष्ट निवारण समिति करनाल की आज बैठक में 13 एजेंडा आइटम थी। 13 में से 5 को हमने डिस्पोज ऑफ किया और 6 अभी पेंडिंग है। कुछ अधिकारियों ने अभी जाँच करनी है, कुछ हमारे कष्ट निवारण समिति के जो साथी हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है। जैसे उनकी जांच कंप्लीट हो गया है कि उनका निपटारा करने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश श्रीमान मनोहर लाल जी का एक ही इच्छा है कि लोगों को तुरंत न्याय मिले और उनकी समस्याओं का समाधान। हम समाज कल्याण के हित के लिए सरकार चला रहे हैं और समाज कल्याण के हित के लिए जिस कोई भी व्यक्ति है उसकी अधिकारियों के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ जो भी शिकायतें होंगी उसका निवारण करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज मैं पहली बार करनाल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में आया था और प्रयास किया कि अगली बैठक के अंदर सभी को ऐसी कौन कौन सी सबसे ज्यादा शिकायतें कुछ डिपो होल्डर्स की भी थी और कुछ पंचायत की सरपंचों वगैरह के खिलाफ थी और कुछ पेंशन विभाग की भी थी। तो अभी कुछ चीजें समझी हैं, हमको निपटान करने का काम। इलेक्शन का दौर चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। अभी लोकसभा चुनाव से लेकर जहां अभी विपक्षी दल सदमे में है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया। आज भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र तोमर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र सिंह जी, उनको हरियाणा में विशेष तौर से विधानसभा का इंचार्ज लगाया चुनाव के लिए। और अभी हमारी 18 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आशीर्वाद यात्रा कालका से लेकर पूरे हरियाणा की होती हुई 8 तारीख को विजय संकल्प रैली के साथ समापन होगी और संभवतः हमारे देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी जी इसमें हरियाणा की जनता को एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए आ रहे हैं। और जिस प्रकार से 5 साल तक माने मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में और केंद्र में मनोहर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो विकास के कार्य हुए, आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने का हमने जो प्रयास किया उसकी परिणति उसका रिजल्ट ये है कि हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर 10 के 10 लोकसभा सदस्य चुनकर आए। उससे पहले हमारा बाई इलेक्शन जींद का था, उससे पहले नगर निगम के थे। तो मैं संभवतः समझता हूँ कि माननीय मनोहर जी की नीतियों को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया और जो माने मनोहर जी और मेरे केंद्र नेतृत्व ने 75+ का जो टारगेट दिया है उससे उसमें कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हरियाणा प्रदेश के हमारे जागरूक मतदाता के बलबूते पर हम अपनी नीतियों को लेकर जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मंत्री जी, एक बात सामने आ रही है कि कश्मीर को लेकर कई विधायक ऐसे हैं जब हरियाणा के हों चाहे दूसरे प्रदेशों के भी हम वहाँ से बहुत लेके आएंगे, कश्मीर से बहुत लेके आएंगे, ये कहाँ तक?
मुझे नहीं पता ये कहाँ से आपके पास बात आई है, परंतु फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है। देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने अपनी शहादत देकर देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमारे नेतृत्व ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक निर्णय लिया था, एक देश के अंदर 200 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो धारा 370 हटाने का एक प्रयास किया, उसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश के नहीं देश के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि यदि मतदाता देश का मोदी जी को आशीर्वाद ना देता, इतना प्रचंड बहुमत ना देता, शायद नरेंद्र मोदी जी इस कठिन काम को इतनी आसानी से ना कर पाते। इसलिए देश के लोगों की एक इच्छा थी कि धारा 370 हटे, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहे। उस पर मोदी जी ने लोगों की जनभावना के अनुरूप धारा 370 हटाने का काम किया और मैं देश के करोड़ों करोड़ों मतदाताओं ने जो आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया था, ये उसी का ही रिजल्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।